प्रमिला दी आपने चैनल यू एंड मी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज फिर हाजिर हैं आपके लिए एक अच्छी सी और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। दोस्तों, अगर आप कोई नया उद्योग या काम धंधा शुरू करना चाहते हैं तो आप क्या करें जिससे आपको कार्य में सफलता मिले, जिससे आपका जो उद्योग व्यवसाय है वो सफल हो जाए, वो दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे, आप क्या करें? दोस्तों, अगर आप व्यवसायी हैं या पुराने उद्योग के चलते एक नया उद्योग या नया काम शुरू करना चाहते हैं तो अपने पुराने कारखाने, पुराना कारखाना हो या दुकान हो, जो भी हो, या फिर आपका कोई भी लोहे की कील या कोई भी नया कार्य आप शुरू करना चाहते हैं, दुकान या किसी भी तरह का काम धंधा, तो आपको क्या करना है? एक लोहे की कील, अगर आपके पास पुराना काम धंधा है और उसके चलते आप नया काम धंधा शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक उस पुराने वाले से नया लोहे की कील लेके आनी है, उसमें से जहाँ पे आपने शुरू किया है पहले वाला उससे लेके आनी है। अगर आप बिल्कुल ही नया स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक लोहे की कील लेके आएं, उसको एक हफ्ता तक मंदिर में रखें, तो इस लोहे की कील लेके आइए और साथ में ही रोली लीजिए। उस जगह पर जहाँ पे आप काम धंधा शुरू कर रहे हैं वहां पर आपको एक जगह पर, आपको जमीन पे कार्य करना है, मैं इस पे के ऊपर करके दिखा रही हूँ आपको, एक स्वास्तिक का निशान बनाना है आपको। और ये स्वास्तिक का निशान बनाने के बाद आपको काली उड़द लेनी है। काली उड़द थोड़ी सी ले सकते हैं आप, 5-7 कितने भी, 14-21 कितने भी दाने ले सकते हैं, तो उसको उस स्वास्तिक के निशान के ऊपर डालना है। और स्वास्तिक के निशान के ऊपर डाल के आपको जो लोहे की कील ली है वो उसके ऊपर ऐसे रखनी है। ऐसे रखने के बाद आपको पूरे जहाँ पर भी आपने दुकान की या कोई भी कारोबार शुरू किया वहाँ गंगा जल का छींटा देना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। दोस्तों, आप ध्यान रखें, अगर आप कोई नया ही काम धंधा शुरू करें, पहले वाला नहीं है, तो आपको लोहे की कील नहीं लेके आनी है और हफ्ता भर अपने मंदिर में रखनी है, उसके बाद ये कार्य करना है। अगर आपका पुराना काम धंधा है तो आप पुराने वाले कारखाने से या दुकान से, किसी भी व्यवसाय से वो कील उठा के लोहे की कोई भी चीज़ आप ला के इस जगह पर रख सकते हैं। दोस्तों, ऐसी और भी महत्वपूर्ण जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।